बेनीपुर प्रखंड में प्रमुख चुनाव को लेकर दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां माधोपुर मोहम्मदपुर से पंचायत समिति चौधरी मुकुल कुमार राय ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया। इनके समर्थन में करीब 17 सदस्य मौजूद रहे। इन सभी को पद और गोपनीयता के साथ साथ शराब मुक्ति की भी शपथ दिलवाई गई। प्रमुख बन गए, आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। प्रमुख आप बन गए, आपको कैसा लग रहा? अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या आप जनता के लिए क्या सब काम करेंगे? सबसे पहले विकास करूंगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। आपके क्षेत्र में क्या सब दिक्कत है जो आप सबसे पहले उसको सुधार करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सबसे पहला काम यही होगा। और जो जनरली दिक्कत हो जैसे नाला सड़क वगैरह ये सब पे आप ध्यान देंगे? नहीं, सब तो होगा ही, सब होगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान देगा शिक्षा पे। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। अच्छा, अपना नाम बताइए। चौधरी मुकुंद कुमार राय। धन्यवाद। मैं आज दिनांक 27/12/2021 अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा न रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दोनों शपथ ले लिए हैं। आप लोग किस पंचायत से? रमोली। क्या नाम? वार्ड संख्या 13 धीरज कुमार झा। अच्छा, बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? चौधरी मुकुंद कुमार राय जी हैं जो हम लोगों के प्रमुख के प्रबल दावेदार हैं। हम लोगों की तरफ से उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है? अच्छे इंसान है और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ चुका था बेनीपुर में, और हम लोगों को ऐसा लगा कि अब एक नया चेहरा आना चाहिए जो ऐसे हों जो भ्रष्टाचार से सबको मतलब मुक्ति दिलाए, और उस हिसाब से हम लोगों को ये लगा कि ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आगे के लिए हम लोगों के लिए ठीक रहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघव कुमार झा हुआ। किस पंचायत से? हम रमोली पंचायत भाग 14 से हैं। भाग 14 से। मैं बताइए कि आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? हम चौधरी मुकुंद राय जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आखिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम है। क्या लगता है आपको, वो काम करेंगे कि बाकी की तरफ लेकर जीतने के बाद बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, वो ईमानदार काम करेंगे, वो काम कर लेके चलेंगे। पूरा भरोसा? ऐसा तो नहीं कि मतलब जीतने के बाद जैसे बाकियों की तरह गायब हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें वो अच्छे से काम करेंगे और हम लोगों को भरोसा है उन पर, इसलिए हम लोग उनको मतदान कर रहे हैं।